सी तेरे माड़ी रे, जान लगा देंगे हम थारे बस तेरे माड़ी रे, दुनिया हिला देंगे हम। बायो के सारा बायो अच्छा था। कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप कोटा में? एक ही साल से हो। हाँ। तो 12th पास करके आए थे आप? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, कैटेगरी कौन सी आपकी? मेरी एससी कैटेगरी। एससी है तो 300-350 को पर्ची होगा आपको? 450 चाहिए होता है। बंगाल में है ना? अच्छा, तो आ रहा है उतना बेटा? देखते हैं एनालिसिस करके, उतना तो आंसर कर चुके हैं बट नेगेटिव नहीं आए तो। हाँ, वैसे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर इजी था इस बार। मेरे लिए फिजिक्स कठिन था बट बायो और केमिस्ट्री इजी था। हाँ, तो ठीक है, बाकी पेपर ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? मैं श्रेया जैन। कहाँ से तैयारी करी आपने? मैंने कोटा पीडब्ल्यू कोचिंग से की। अच्छा, आज आपने नीट का पेपर दिया, कैसा रहा पेपर? पेपर का पैटर्न इजी था, मॉडरेट लेवल का था। आपने इतने सारे टेस्ट वगैरह दिया हुआ था तो उस हिसाब से इजी आया हार्ड आया? मॉडरेट था। तो इजी सब्जेक्ट कौन सा था तीनों सब्जेक्ट में? जूलॉजी। क्या था? जूलॉजी। और हार्ड कौन सा लगा बेटा आपको? फिजिक्स। अच्छा, जो कट ऑफ के लिए लगभग मतलब 550 के आसपास चाहिए तो उतना आ रहा है इस बार आपका? मैं अभी एक्चुअली 12th पूरा कंप्लीट। आंसर की से मैच करोगे है ना? हाँ, ठीक है। बाकी सब बढ़िया था बेटा? हाँ। कोटा कैसा लगा आपको? अच्छा है। तैयारी करने के हिसाब से कैसा है? अच्छा है, तैयारी के हिसाब से अच्छा है। अच्छा, आपके साथ आपको बहुत बढ़िया लगा। हाँ। आना चाहिए बच्चों को कोटा? हाँ, जरूर आना चाहिए। जान लगा देंगे हम थारे बस तेरे।